हेलो गाइस, आओ कैसा है सब बताइए। तो आज यहाँ टेंसा आने का मतलब मेरा कुछ तो मेरा तबीयत ख़राब था, तो यहाँ टेंसा का देख लीजिए। यहाँ आप जो हमारा ये शंको चौक बोलती है टेंसा, शंको चौक, तो यहीं से हम अभी घूम के निकलेगा। तो यहाँ का यहाँ मार्केट के अंदर गया है, ये गेट जो दिखाई दे रहा है मार्केट के अंदर ये रास्ता है। तो इसी से मैं घूम रहा था और यहाँ साइड ये गीतारानी और कोयडा ये रास्ता जाने के लिए, तो यहीं से हम घूम गया था। फिर गाड़ी को अपना साइड करके वहाँ पे तो हम जा चुके थे कैंसा मार्केट में, मेडिकल में जा रहे थे, तो यहीं पे गाड़ी रुक कर गया था। तो मैं जब भी 2 दिन हुआ वीडियो नहीं डाल पा रहा था, तो मेरा तबीयत भी बहुत ख़राब था, तो इसीलिए। तो भाइयों जो भी देख रहा है तो बुरा ना मानिए, कोई भी मैं डेली कोशिश करता हूँ वीडियो डालने के लिए, फिर भी तबीयत 2 दिन हुआ ख़राब था तो नहीं डाल पाया था। तो मैं यहाँ से लेकर अभी कुछ दवाई हुआ लिया था, तो अभी अच्छी हो चुका है। तो यहाँ से हम फिर भी रिटर्न गया था अंदर, जाकर ला अगर आ रहा था तो वीडियो बना रहा था उस टाइम। तो यहाँ पैदल में आने आ रहा थी, तो इसलिए वीडियो बहुत हिल रहा था। आज यहीं टेंसा आगे का आपको दिखाई देता है लगता है, आगे ये है चौक जो ये की बोलती है शंकर चौक टेंसा का। तो यहीं से फिर हम थोड़ा वीडियो स्किप कर कर आगे ले आया। तो चलिए अभी चलते हैं हम जिंदल साइड, जिंदल तक। अभी देखिए यहाँ का रोड बहुत अच्छी बनाई है, जो कि हमारा 0 पॉइंट तक वहाँ से गीतारानी से पूरा अच्छी रोड बना दिया है घाटी में चढ़ने के लिए। तो उतरने के लिए यहीं पे टेंशन से फिर उतरना पड़ता है घाटी को। तो यहाँ का रास्ता बहुत अच्छी है, तो जाने के लिए भी आने के लिए भी कुछ परेशानी नहीं पड़ता है यहाँ का। अभी मैं जा रहा हूँ 0 पॉइंट से, 0 पॉइंट जा रहा हूँ, तो 0 पॉइंट से हम जाएंगे जिंदल तक। तो बने रहते रहे ऐसे ही। तो जो भी भाई नया इसी चैनल में नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, अगर वीडियो अच्छी नहीं लगा तो फिर भी डिसलाइक दीजिए। तो मैं सोचूंगी इसी वीडियो को अच्छी नहीं लगा तो डिसलाइक दिया है। चलिए तो आगे यही देखते रहिए। तो जो हम पिछले वीडियो बना रहा था, इसी वीडियो एक टेंसा घाटी जो कम उतरने का 16 नंबर का नीचे और भी है, जिस रास्ते में खाते निकलता है वहीं पे एक एक्सीडेंट हुआ था, गया शुक्रवार, नहीं शुक्रवार नहीं है, तो लगभग आज के हुआ 12 शुक्रवार को प्राय, हाँ पूजा का दिन हुआ था एक्सीडेंट है एक डंपर का। तो वही वीडियो नहीं डाल पाया, तो मैं कोशिश करूँगा वही वीडियो भी, पिछले वीडियो भी मैं डाल दूँगी यहीं पे। तो क्या हुआ कि उसका जो 6 चक्के का डंपर का उसका ब्रेक फेल हुआ था, तो दूसरा गाड़ी में ठोका पीछे में, तो हम उसको भी ज़रूर डालूँगी वीडियो। तो वहीं पे थोड़ा जाम हुआ था टेंसा घाटी में। तो ये देखिए बहुत यू टर्निंग पड़ती है, ये टेंसा आने का यू टर्निंग बहुत पड़ती है। ये गाड़ी हमेशा आराम से चलाइए सब, तो अच्छी लगेगा। यहाँ टेंसा का हर टर्निंग यू टर्निंग, बहुत यू टर्निंग और वी टर्निंग भी है, जैसे कि बड़ा गाड़ी सब आते है काटने के लिए कि जाते निकल जाने के लिए बहुत तकलीफ होता है जी। टर्निंग में काटते जिस समय टर्निंग में उतरने समय पर आराम से कटी गाड़ी देखकर, क्योंकि 10 चक्का और 12 चक्का का, 16 चक्का, 18 चक्का ये सब बहुत तकलीफ होता है यू टर्निंग में।
फिर भी अच्छी से उतारो और बहुत अच्छी बनते रहो। तो घाटी एरिया में आज ज़्यादा नहीं दिखाऊंगे आपको, यहाँ जीरो पॉइंट से देखिए, जीरो पॉइंट से उतरने का ये सीधा गया बरसवा और यह साइटिंग में गया है, बरसों साइटिंग में। और यहाँ हम घूमें अभी कंपनी तरफ रोड से। तो इनका आज संडे था तो यहीं पे गाड़ी भी ज़्यादा नहीं चल रहा था, गाड़ी भी हम लोग को दो दो ट्रिप हो जाएगा प्राय अभी लगता है। तो आज ज़्यादा वीडियो नहीं बनाए, 10 मिनट का वीडियो बनाए। तो भाइयों आप लोग कैसा है सब बताइए। ये बस्ती जाने के बाद हम निकलेंगे, अभी जिंदल का आसपास ही रहेगा आज। तो हम लोग को गाड़ी पार्किंग तो नहीं है, फिर भी हम रास्ता में रख दी है गाड़ी, तो बने रहे ये बस्ती जाने के बाद, फिर भी आपके साथ मुलाकात रहेगा। तो भाई और सब कैसा है बताइए, और कमेंट पे ज़रूर लिखिए अगर वीडियो अच्छी लगता है तो, अगर वीडियो अच्छी नहीं लगता फिर भी लिखिए वीडियो अच्छी नहीं बना रहे हो। देखिए वीडियो हम बहुत हिलता है, हम तो देखने के लिए भी अच्छी लगता ना, इतना खास नहीं लगता है, वीडियो बहुत हिलता है। आप लोग को वीडियो कैसे लगता है थोड़ा बताइए, और आपका जवाब ज़रूर मैं देने के लिए कोशिश करूँगी। और आने वाले विश्वकर्मा तक यहाँ हम चलने वाले, फिर भी दूसरा रास्ता तो ज़रूर मैं बताऊँगी आप लोग को। तो सब्सक्राइब करिए और लाइक ज़रूर दीजिए वीडियो अच्छी लगे तो। तो यहाँ का देखिए, यहाँ इसी गाँवली में जो गाड़ी चलता है आराम से चलाइए और धीरे धीरे जाइए। यहाँ का बच्चे और बच्चे भी यहाँ दिन पे कभी कभी आते हैं, रास्ते में खेलते हैं। तो यहीं पे धीरे से आराम से चलाइए अपना रास्ता को लेकर, तो चलते रहिए ऐसे भाइयों। वीडियो हम इसी मोबाइल से ही शूट करते हैं मोबाइल में, तो वीडियो बहुत ज़्यादा थोड़ा स्पीडी यहीं से, थोड़ा कोई नहीं रहता यहाँ तो चार नंबर लगा कर स्पीडी करते तो बहुत हिलता है वीडियो यहीं पे। तो चलते रहिए ऐसे भाइयों सब। और पिछले वीडियो भी शूट किया था मैंने 2 दिन का, फिर भी वो नहीं डाल पाया, तो आज संडे सोचा थोड़ा वीडियो बना लेते हैं यहीं पर। मेरा तबीयत भी बहुत ख़राब था तो मैं नहीं बना पाया, तो जाकर टेंशन मैंने कुछ दवाई लिया है, दवाई बरसों से भी लिया था, फिर भी वो बरसों से ठीक नहीं हुआ, तो फिर भी यहाँ टेंशन में आकर फिर लिया था मैंने। तो चलिए ऐसे बने रहिए भाई, और कहाँ बताने आपको रास्ता मेरे को थोड़ा बता दीजिए, और मैं ज़रूर कोशिश करूँगी वहीं पर जाने के लिए। तो मेरा भी यहीं टेंसा में, अभी टेंसा से निकलने वाले कुछ दिनों में, तो बताइए और कहाँ जाने के लिए, ज़रूर मैं वहाँ पहुँचूँगी और रास्ता आपको बताऊँगी। तो ऐसे ही बने रहे भाई। तो जो भाइयों नया है तो इसी चैनल में ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर दीजिए। तो यहीं पे आगे जाने के लिए हमको देखिए, 1 घंटा अगर बारिश छूटता है तो यहाँ से रास्ता से धूल उड़ता है ज़रूर उड़ता है। तो यहाँ का देखिए रास्ता भी नहीं पता चलेगा, यहीं पर इतना धूल उड़ेगा यहीं पे, 1 घंटा अगर बारिश छूटते समय तो गाड़ी चलेगा तो पूरा धूल तो उड़ेगा ही, ज़रूर उड़ेगा। तो यहीं से हम थोड़ा रुक रुक के गया, तो फिर गाड़ी को यहीं पर वो पुलिया का बीच में हम गाड़ी रख दिया था, तो आगे लोड गाड़ी आ रहा था तो मैं पीछे करके फिर रिटर्न आ रहा था। देखिए आप रिटर्न आ रहा था हमने, तो चलते रहिए ऐसे ही देखते रहे, फिर यहाँ ज़्यादा दूर नहीं जा सकते और पार्किंग में गाड़ी नहीं रहता है, तो हम लोग ने बोला कि सब रास्ते में रखो गाड़ी अपना अपना, तो अपना साइड में रखो गाड़ी, जैसे लोड गाड़ी जा पाएगा ऐसे ही सब रखते रहो। तो यहाँ के जाने का यहीं से शुरू होता है रास्ते में रखने के लिए, तो हम लोग को 3 लाइन रखती है, तो गाड़ी अच्छे से रहेगा, 3 लाइन रहेगा तो भी फिर लोड गाड़ी
आराम से आ पाएगा यहीं से। तो हम गाड़ी को यहीं से साइड गया था, तो बहुत जाम था यहाँ आगे भी, और वॉचमैन भी यहीं पे रुका रहा था सबको, और हम यहीं पे घुसकर रुक गए यहीं पे बीच में पे दो लाइन में चले गए हमने। तब तक के लिए बाय बाय, फिर सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। तब तक के लिए मैं आता हूँ फिर एक वीडियो नया बनाकर।